हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज सुबह सुबह मैं उठी, उठ के नहाया धोया और उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान जी को स्नान करवाया, उसके बाद अच्छे से पिट्ठा विट्ठा लगा के पूजा पाठ करी, और उसके बाद फिर अपना जो डेली रूटीन का कार्य था वो किया अपना, जैसे कि कपड़े वपड़े धोए, घर का काम किया, नाश्ता पानी किया, और जितने थोड़े बहुत कपड़े थे जो नहा के उनको सुखा दिया छत में, और यहाँ पर कुत्ता भी लेटा हुआ है हमारा प्यारा। उसके बाद फिर हमने आज गुजिया बनानी थी, तो गुजिया के लिए आटा गूंदा और फटाफट आटा गूंद के रख दिया है। आटा भी सॉफ्ट गूंदा है देखो। फिर थोड़ी देर हमने इसको रेस्ट, मतलब रेस्ट के लिए रख दिया। यहाँ पे कढ़ाई में भून रही हूँ अभी जो सूजी है उसको भून रही हूँ। उसके बाद फिर हमने गुजिया बनाना स्टार्ट किया और गुजिया बना के तैयार कर ली। तो आज होली का दिन, मतलब होली 1-2 दिनों के बाद है, तो पहले से बना के प्रिपेयर कर लेते हैं। संडे का दिन है तो गुजिया भी हमारे रेडी हो चुकी है, अब मैं इनको तल लेती हूँ। उसके बाद मेरी सासू मैं जा रही थी होली में, तो उनकी थोड़ी सी एक रील बनाई साड़ी में, और ये गुजिया भी हमारे रेडी हो चुकी है, मैंने तल ली है और इनको थाली में बहुत अच्छे से सजा भी दिया है, तो ये बहुत सुंदर भी लग रही है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, तो गुजिया तो हमारी बन चुकी थी कल, और इनको फ्राई भी कर लिया था और बहुत अच्छे से सजा भी दिया मैंने थाली में, देखो बहुत ही सुंदर लग रही है जो कि। और अभी तो हम नहीं खाया है, भगवान जी को भी चढ़ा दिया है, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। और इस बार मैंने थोड़ा सा ऐसे कोशिश कराई कि बबूले ना पड़े इसमें, तो अच्छे बने हुए थे। उसके बाद ताई जी लोग आ गए थे शाम को, तो यहाँ पे हमारे जो ताई जी हैं पंतनगर वाली, वो आए, उनके तो बेटियाँ आए और हमसे मिलने आए थे होली के लिए। तो यहाँ पे ये दिल्ली वाली दीदी हैं, तो मिलने आ रखे हैं, तो इनके साथ थोड़ी सी हमने होली खेली आज रात को, और कम समय था लेकिन होली खेली और बहुत अच्छा लगा। आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा ज़रूर बताइए।